यूँ तो देश में बहुत सी रानियां रहीं, लेकिन जिन्हें आज भी याद किया जाता है उनमें से एक नाम है गायत्री देवी का। आज हम आपको रंगीन मिजाज में रहने वाली रानी गायत्री देवी के बारे में बताएंगे, जिनकी जिंदगी में कभी दुखों का पहाड़ भी टूटा था। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के पिता कुछ बिहार के राजा थे और उनकी माँ इंदिरा राजे बड़ौदा की मराठा राजकुमारी थी। इंदिरा राजे अपने पिता महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आया की इकलौती बेटी थी। बताया जाता है कि गायत्री देवी एक शानदार महल में पली बढ़ी थी और उनके महल में लगभग 500 नौकर काम करते थे। गायत्री देवी के दोस्तों और परिवार के बीच उनका आयशा नाम भी काफी फेमस था। फेमस मैगजीन वोग ने गायत्री देवी को दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। गायत्री देवी ने लंदन और शांतिनिकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। गायत्री देवी बहुत अच्छी पोलो प्लेयर थी। इसके साथ ही उन्हें कारों और शिकार का भी शौक था। गायत्री देवी ने जब पहली बार चीते का शिकार किया था तब उनकी उम्र 12 साल थी। गायत्री देवी ने ही पहली मर्सिडीज बेंज W126 और 500 सेल भारत इम्पोर्ट करवाई थी। बाद में वो कार मलेशिया भेज दी गई थी। इतना ही नहीं, उनके पास बहुत सी रोल्स रॉयस और एक एयरक्राफ्ट भी था। गायत्री देवी की शादी जयपुर के राजा मानसिंह से हुई थी। वो जयपुर की तीसरी महारानी थी। वो मानसिंह से पहली बार पोलो ग्राउंड में मिली थी। शादी के समय गायत्री देवी की उम्र 21 साल थी। बताया जाता है कि मानसिंह उन्हें देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे। साल 1940 में गायत्री देवी ने राजा मानसिंह से शादी कर ली। गायत्री देवी मानसिंह की तीसरी पत्नी थी। साल 1949 में 15 अक्टूबर को गायत्री देवी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जगत सिंह रखा गया। फिर गायत्री देवी की जिंदगी में बुरे समय की शुरुआत हुई। 29 जून 1970 को 57 साल की उम्र में उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद वो काफी दुखी रहने लगी थी। इसके बाद साल 1997 में 5 फरवरी को लंदन में उनके बेटे की मौत हो गई। इसके बाद गायत्री देवी बिल्कुल अकेली हो गई। 29 जुलाई 2009 को 90 साल की उम्र में गायत्री देवी का देहांत हो गया। बताया जाता है कि उनकी मौत किडनी खराब होने की वजह से हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।